आईपीएल सीजन 13 के 21वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को केकेआर के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद अब सीएसके के मिडिल ऑर्डर पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। बता दें आपको कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक चेन्नई सुपर किंग्स को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, अंक तालिका में भी वो काफी नीचे हो गए। बड़ी बात यह है कि अब सीएसके की इस हार के बाद एक बार फिर टीम के उपकप्तान रहे सुरेश रैना की वापसी की मांग उठ चुकी है। जी, खबरों की माने तो सुरेश रैना को अब फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई है और कहा गया है कि सीएसके का बचा हुआ सीजन जो फैंस देखना चाहते हैं उसमें सुरेश रैना की वापसी देखना चाहते हैं। वो केदार जाधव जैसे खिलाड़ियों का गेम देख चुके हैं, ऐसे में केदार जाधव का टीम से बाहर होना ही सबसे सही फैसला होगा। वही कई लोगों का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी भी सुरेश रैना को टीम में लाने के पक्ष में है। खबरों की माने तो एमएस धोनी खुद टीम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि सुरेश रैना की वापसी किस तरीके से कराई जाए। इससे पहले सुरेश रैना निजी कारणों का हवाला देते हुए वापस लौट आए थे, लेकिन भारत आते ही उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीएसके के लिए आईपीएल खेलने जरूर जाएंगे। ऐसे में खबरों की माने तो सीएसके की टीम जल्द ही सुरेश रैना को बुलावा भेज सकती है। खुद धोनी की रिकमेंडेशन पर सीएसके को रैना को वापस लाना होगा। अब देखना है कि क्या एमएस धोनी की बात सीएसके का टीम मैनेजमेंट और उनकी टीम मानती है या नहीं, क्योंकि सुरेश रैना के आने से सीएसके की टीम बचे हुए टूर्नामेंट में शायद और बेहतर प्रदर्शन करती, क्योंकि अब तक 6 मुकाबलों में महज 2 ही मुकाबले सीएसके की टीम जीत पाई है और 4 में उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।